रायगढ़ जिला पे गौरव आनी चंद्रदास महानंदिया ओडिशा जनसेवा आयोग परीक्षा में 111 रैंक रखी योग्यता हासिल कर रायगढ़ जिला रायगढ़ ब्लॉक अंतर्गत रायकणा ग्रामर पु चंद्रदास पिलाटी दिन चलीगला माँ सावित्री महानंदिया दुखरे भांगी पड़ते चंद्रदास माँ किंतु पिलांक भविष्यत साहस और धैर्य सह जीवन युद्ध में बाहरी पड़ते पिलांक मनीष करने जीवन जीविका भाव पर बिक्री कर पिलांक भविष्य या लगी पड़ते किद बड़पु रंजित महानंदिया पढ़ा सारी जीआरएस चाकरीटे पाइला माँ और दुई भाई संगीत महानंदिया चंद्रदास महानंदिया और भौणी ममिता महानंदिया सहारा पलटिते भाई चंद्रदास को पाठपढ़ा प्रति दृढ़ शक्ति देखी तांकु भुवनेश्वर पाठ पढ़ा छाड़ते सेठा रही चंद्रदास निज स्वप्न को सत करने को लगी पड़े दिनराति एक करी समस्त बाधा विघ्न को पार करी शेषर ओडिशा जनसेवा आयोग परीक्षा पर प्रस्तुत होते प्रथम थर यह परीक्षा दे सर्वमोट 111 रैंक रखी सफलता हासिल करते यहां घरे और निज गाँव खुशी लहरी खेली जाता अनेक प्रशंसा और शुभेच्छा मिलवा सह विपुल जनसमूहों मध्य गाँव लोक स्वागत करते जिला तथा राज्य में अनेक स्थान अभिनंदन स्व छुटी एटा तो टिके भलो सुविधा का थिला से टाइम रे टिके से टाइम रे खाली पानी पूरी वाली के का टा टिके जगई बार बापर को मां को होई करी का टिके जगई पालु बोलवा अपन तो अपन गो स्वप्न देखथिबे पुअर से स्वप्न बे सत होई छी सत कहला सब बेले भगवान भगवान बोली चाहथिली काम आ गया अपन मां पिला का के भाई नहीं बंधु नहीं के नहीं मां पिला का सुनला बेले टिके खुशी का लगला पूरा खुशी लगला सुनला ज्वर भी होई थी आगे चिंता ही है ज्वर हो जाए थी किंति हे किंति ना मोर पुओते माँ पिला हईराण है कष्ट पड़ू बोली भगवान जिंति चाहला टिके खुशी का लगला हाँ सर मुते नहीं कि भुवनेश्वर छाड़ी तापर मु तो गाइड करिबार माने नुहे जे से कौन पढ़ु सेटा गाइड करिबार नुह किंतु से मो जे माने हाई रे माने ऑलरेडी क्वालिफाई अच्छा जमी सुनन झड़िया सार सहित मुझोग करी इंट्रोड्यूस करी साक्षात करी कि स्टिप्स नापी कहली कनेक्ट करी आउ जो अच्छा आमर भुवनेश्वर मो सांगर भाई जन अच्छा भी कोचिंग नौ बाहर सहित तो, मान जो मैंने ऑलरेडी से चिंताधारा जो मैंने अच्छा से मान सहित तो कनेक्ट करी से कनेक्ट कलापर जा भाविली कि हाँ ये जिनस जाक कनेक्ट कले ही से चिंताधारा चेंज हो आ स्ट्रंग माइंड हो आ पढ़ापढ़ी से भाया गाइडेन्स है भाविली जोबले मु प्रथम भाई फोन कले कि भाईना क्वालिफाई कली से मो बाइक जर्नी थी कोरापुट छक रायडा हटात स्टार्ट बंद कली शुणिली गोटे 10 मिनट पूरा खुशी होगली एत खुशी होगली मैंने आ 10 मिनट पूरा गोटे जगह बसी पड़ी एत खुशी जहा एत दिन सफलता जोटापी चेषा करूँ आज फास्ट एटेम्प्रे मैं फास्ट एटेम्प्रे दौ फास्ट एटेम्प्रे क्वालिफाई कर बहुत खुशी है जेहेतु माँ मु पंचायत जीआरएस अच्छी मो जीआरएस रे तो कम दरमा आउ से दरमा रे मो घर फैमिली मेंटेन करे घर भड़ा रायगढ़ रे रही कि भाई भौणी को बाहा कली प्लस माँ पर बिकती ये माँ पर बिकती मु पंचायत रे जीआरएस थाई कि लाइफ रे स्ट्रगल करते भाव जो एत दिन जर्नी थी दिन तो ना बर्ष कथा मुझे कहते बर्ष जो जर्नी थी तो रायगढ़ मुझे भुवनेश्वर जाइली मोर गोटे ड्रीम थी कि गोटे वॉइस एग्जाम क्रैक करी तो मोर डेडिकेशन हार्डवर्क फैमिली सपोर्ट टीचर मान गाइडेंस फ्रेंड्स मान सपोर्ट इत्ते सब आम तो बहुत आशीर्वाद मिले आम गाँ अंचल जहाँ आप जानते हैं मत बहुत सपोर्ट करते से माने तो से कहते कि निहत भाव जहाँ चेष्टा करते कर तो ये सब द्वारा मुझे क्राक कर क्वालिफाई कलापर नेक्स्ट कौन रहा स्वप्न आगे कौन निहती भाव ओएस जिते क्राक कर पारि फास्ट एटेम्प्ट मोर प्रथम एटेम्प्ट तो मोर गोटे कन्फिडेंट और भरोसा अच्छे मुझे निहती भाव आईएस भी चेस्टा करी आईएस हो पारि तो मोर नेक्स्ट जब कह आईएस हमारे मोर लक्ष्य अच्छे ये जो सफलता हासिल पर क्या क्रेडिट देखें चाहिए प्रथम मो माँ को ही देवी कहीं सी एत वर्ष धरी सी जो पनीपरिया बिकी मत हेल्प मत केवल नुह आम को पूरा घर को जो हेल्प कर तो क्रेडिटा जीवन नेक्स्ट मो बगा भाई रंजित महानंद या मो क्रेडिट देवी तो निहत भाव अन्य मैंने भी अच्छा जो मैंने कि मतलब टिके टे हेल्प कर मोराल सपोर्ट जी कहते इकोनोमिक सपोर्ट हूँ कि जो पॉजिटिव थॉट जो देखिए आम सीनियर भाई मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट बनिका इसको मुझे कहि निहत बहुत हेल्प कर तो से ही बोधे मुझे आज सफलता पाई आदिवासी अधूषित अंचल जो रायगढ़ जिले में तुमको देखी जो मैंने बर्तमान इन्सपायर होते हैं कौन बार्ता रहा
ନିହାତି ଭାଇ ମୁଁ କହିବି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛୁ, ତ ମୁଁ ଯଦି କରିପାରିଲି ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆଉ ବେକୱାର୍ଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ, ତ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ ବି ନଥାଏ ଯେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଏଇସବୁ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ କହୁନି କି କେବଳ ଭଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବି ଘର ଲୋକର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ସେତିକି ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ, ସେତିକି ଯଦି ଭରସା ଦେବେ, ନିହାତି ଭାବେ ସେ ପିଲା କରିପାରିବ। ମୁଁ କହିବି ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ, ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କିନ୍ତୁ ତା'ଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ପାଠ ଭଲସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ ବିଷୟରେ କେମିତି ଥିଲା, ସେ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର? ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ ଡେଟ୍ଟା ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି, ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ହିଁ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲି, କେତେବେଳେ ୱେବସାଇଟ୍ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି କେତେବେଳେ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟଟା। ତ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟଟା ଆସିଲା PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାଁଟା ସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଖୋଜୁଥିଲି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତ ନାଁ ମିଳିଲାନି, ତା'ପରେ ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ଗଲା 100 ରାଙ୍କ ପରେ ଆସି ଦେଖିଲି ନାଁଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତ ଭାଇ ଭିତରେ ଆସିଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ମନରେ? ହଁ ନିହାତି ଭାବେ ଭାବୁଥିଲି କି 100 ଭିତରେ ଆସିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତେ ବି ଏବେ ନଥିଲି କେଉଁଠି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ କରିପାରିବି। ତ ଯେହେତୁ ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଏତେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲିନି କମ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ 100 ତାରିଖ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ମୋର ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଅନୁସାରେ।